खेसारी लाल यादव के वजह से पवन सिंह को छोड़ना पड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री के भोजपुरी गाना गाने। और दोस्तों पवन सिंह गा रहे हैं अब मगही में गाना। तो दोस्तों आखिर क्या है खबर की पूरी जानकारी, और दोस्तों आखिर कैसे वो भी पवन सिंह जो कि मगही में गाना गाए हैं, बताएंगे आपको पूरे खबर की जानकारी, वो भी पूरे डिटेल के माध्यम से। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बिना समय लेते हुए आइए वीडियो को शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि पवन सिंह जो कि हाल फिलहाल में जो कि एक गाना निकाल दिए हैं, और दोस्तों वो गाना का बोल है कि सेंदूरा डाले से पहले। और दोस्तों यह गाना जो कि पूरी तरह से मगहिया में गाना है। और दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि अब तक जो कि पवन सिंह जो कि पूरी तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना गाते थे, और दोस्तों इन्हीं सब के बीच जो कि मगहिया में यह गाना जो कि गाए हैं, और दोस्तों इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया बवाल हो रहा है। और दोस्तों कुछ खेसारी लाल यादव जी का फैंस का यह मानना है कि पवन सिंह जो कि खेसारी लाल यादव जी की वजह से जो कि मगही में गाना गा रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी में वो भी पवन सिंह जो कि खेसारी लाल यादव जी का टक्कर नहीं ले सकते हैं, जिस वजह से जो कि मगही में गाना निकाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि पवन सिंह जो कि बस ऐसे ही यह गाना निकाल दिए हैं, और दोस्तों यह गाना जो कि ठीक ठाक गाना है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जो कि भोजपुरी गाना सुनता है उसे जो कि मगही गाना नहीं पसंद पड़ेगा, और दोस्तों जो मगही सुनता है उसे भोजपुरी नहीं पसंद पड़ेगा। और दोस्तों इसी तरह से जो कि खेसारी लाल यादव जी और पवन सिंह जो कि लगातार जो गाना पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे पवन सिंह के यह मगही सॉन्ग के बारे में, अगर आप लोग नहीं सुने होंगे तो आप लोग सुनकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों।